सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, आज का बहुत सुंदर विषय है कि मोक्ष का श्वास से क्या संबंध है। दो शब्द आते हैं, एक तो श्वास, दूसरा मोक्ष। श्वास जो हम ऑक्सीजन भीतर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, इसको इनहेल और एक्सहेल कहा जाता है। श्वास को भीतर लिया और बाहर निकाला, ये वन स्ट्रोक कहलाता है। और श्वास के लिए कहा गया है कि जब तक सांसा तब तक आशा, यानी श्वास हमारा परम मित्र है। जैसे आत्मा हमारा परम मित्र है, उसी तरह से भौतिक जगत का परम मित्र श्वास है। जब श्वास निकल जाती है तो डॉक्टर कहता है कि नाउ ही इज डेड, और बोलचाल की भाषा में कहा जाता है उसने अंतिम सांस ले ली। हमारा इस जन्म का जितना आयुष्य कर्म होता है, जितना लाइफ स्पान होती है, वो सांसों में कन्वर्ट होती है। और वो सांसें जब समाप्त हो जाती है, इसका मतलब आयुष्य समाप्त हो गया, इसका मतलब अंतिम सांस ले ली, इसका मतलब डेड बॉडी हो गया, इसका मतलब वह व्यक्ति मर गया, देहांत हो गया। तो भाई और बहनों, और दूसरा है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ होता है समस्त दुखों से परमानेंट मुक्ति पा लेना। हम जो इस जन्म के अंदर सुख और दुख के तराजू में झूलते हैं, कभी हमको सुख होता है, कभी हमको दुख होता है, लेकिन शाश्वत सुख की प्राप्ति के बाद, मोक्ष के बाद, इमांसिपेशन, साल्वेशन, फ्री फ्रॉम दी बॉन्डेज के बाद हमें वह सुख मिलता है कि कोई दूसरा दुख आता ही नहीं है। वो शाश्वत है, परमानेंट है, इसीलिए हम उसकी इच्छा करते हैं, इसीलिए हम मुक्ति की इच्छा करते हैं। हमारा जो ये कार्यक्रम है, ये सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य और इस ब्रह्मांड की अल्टीमेट रियलिटी पर जो है आधारित है, और यह कुदरत और कुदरत के कानून पर आधारित है। कुदरत और कुदरत का कानून है, दोनों शाश्वत है। कुदरत छह द्रव्यों के समवाय को कुदरत कहते हैं, जीव, अजीव, मोशन, रेस्ट और जो है टाइम और स्पेस। ये छह द्रव्य जहाँ रहता है वो ब्रह्मांड, वहाँ पर लाइफ होती है, और इसके बाहर भी एक अलोक होता है, वहाँ पर केवल आकाश होता है। और बाकी के पांच द्रव्य न होने के कारण लोक नहीं होता और जीवन नहीं होता वहाँ पर। तो भाई और बहनों, जो हमारा श्वास है वह भी जीवन का एक अंग होता है, तो उस श्वास का हमारे जो है लिब्रेशन से क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है। देखिए कि एक व्यक्ति जो कि तनाव रहित है, उसको घड़ी लेकर के बैठ जाइए, वो 16 सांस लेता है, 16 स्ट्रोक लेता है, यानी कि एक्सहेल और इनहेल को हम एक स्ट्रोक कहते हैं। ये 16 स्ट्रोक, 16 श्वास एक मिनट के अंदर व्यक्ति लेता है। तो ये जो है वो 16 सांस जब व्यक्ति लेता है तो टेंशन फ्री हो जाता है, और ये श्वासों की संख्या
जब बढ़ जाती है 50, 60, 70 हो जाती है, तब उस स्थिति के अंदर जो है व्यक्ति को लकवा हो जाता है, व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है और व्यक्ति मर भी जाता है। तो इसीलिए क्या है कि श्वासों की जो व्यक्ति क्रोध अहंकार माया लोभ करते हैं उसकी सांसें 16 से बढ़ के 20 25 50 तक पहुंच जाती है और ऐसे व्यक्ति संसारी जीव कहलाते हैं। और जो साधक लोग होते हैं, जो मुक्ति के मार्ग को लेने वाले होते हैं, जो आर्ट ऑफ दी विजन में विश्वास करते हैं, वो लोग अपने श्वास को लंबा करके और ये श्वास की लंबा करके प्रैक्टिस करके, लंबा सांस लेना लंबा छोड़ना कई महीनों महीनों प्रैक्टिस की जाती है। प्रैक्टिस करने से ये श्वास एक मिनट में 16 के बनिस्पत जो है 14 हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं, 10 हो जाता है, 8 हो जाते हैं। जो 10 और 8 हो जाते हैं श्वास, तब हमारा मेडिकल साइंस सभी एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर यह कहलाता है कि ऐसा व्यक्ति सेंसिटिव हो जाता है, उसको गुस्सा नहीं आता, अहंकार नहीं आता, छल कपट नहीं होती और लोभ नहीं होता। इसका अर्थ है वह व्यक्ति समता भाव में चला जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो 8-10 तक जो है अपने श्वास को लेने लग जाता है, वो सनातन सत्य को जानने लग जाता है। सनातन सत्य का अर्थ होता है वह कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून को मानने लग जाता है। और वह जो है आर्ट ऑफ दी विजन के अंदर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को खड़ा कर देता है और अज्ञान रूपी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन तिरोहित हो जाते हैं। देखिए, हमको संसार में जो भटकाने वाला है वो है कर्ता भाव। कर्म बंधन होता है वो कर्ता भाव से होता है, निमित्त भाव से कोई कर्म बंधन नहीं होता है। निमित्त भाव है वो अध्यात्म का प्रथम स्टेप है, वो हमारे अध्यात्म की प्रथम मंजिल है कि निमित्त भाव होने से नो ब्लेम नो क्लेम नो ऑनरशिप नो डूअरशिप नो भय नो भीख, यानी साधना का मार्ग खुला हो जाता है। और निमित्त होते ही व्यक्ति के साथ के अंदर 3 साथी बैकडोर एंट्री से आ जाते हैं, वो है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा। हम बताते हैं आपको जो चंडाल चौकड़ी जो कि 16 के बाद 20-25 सांस से पैदा होती है, तो कोई ने अहंकार को स्थान दे दिया तो 3 इसकी चंडाल चौकड़ी के मेंबर है क्रोध माया और लोभ, वो ऑटो मोड से वो बैकडोर एंट्री से अहंकार के साथ आ जाते हैं। और ठीक इसी तरीके से पॉजिटिव साइड में जो व्यक्ति निमित्त बन जाता है, हर कार्य में अपने आप को निमित्त समझता है, अपने आर्ट ऑफ द विजन में फिट कर देता है कि मैं तो निमित्त हूँ, तो उसके साथ ही निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा भी उसका सहयोग करने के लिए साथ आ जाते हैं। जो व्यक्ति निमित्त बनता है नो ऑनरशिप नो डूअरशिप वाला होता है, तो उसके लिए सारी सृष्टि जो है वह जो कहने वीतराग है, किसी का दोष नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है वह किसी के पास जाए, उसको तो कुदरत भेजती है। वो जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर, और वो भेजती क्यों है कि कुदरत की ये ड्यूटी है संजोग जुटाने की, जिसके कर्मों का भुगतान होता है वह संजोगों के माध्यम से होता है। भुगतान में एक भुगतान लेने वाला एक भुगतान देने वाला। उदाहरण के तौर पर देखिए कि पिछले जन्म में आपने किसी भी व्यक्ति के जो है
धक्का मुक्की और जो है लाठी मारी थी और अब आपका वो कर्म उदय में आया है, तो वही व्यक्ति आपका बेटा बन के, पिता बन के, नौकर बन के, पशु बन करके, और वह आपसे उसी रूप के अंदर उसी इंटेंसिटी के साथ में वह रोल अदा करेगा। लेकिन उसको भेजती है वो कुदरत है, क्योंकि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है, वह फिक्स है, वह अवस्था होने के कारण विनाशी है, वो जाने वाली है, दुख जाने वाला है, सुख जाने वाला है, कोई स्थायी नहीं हो सकता क्योंकि अवस्था विनाशी होती है। तो भाइयों बहनों, हम आपको कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति आता है वह कुदरत के कानून के अंतर्गत भुगतान कराने के लिए आता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो श्वास का क्या रोल है, श्वास का रोल ये है कि जो व्यक्ति 8 और 10 श्वास लेता है तो सामने कोई व्यक्ति आएगा और वह खुद 8-10 सांस लेने से निमित बन जाएगा, दूसरे व्यक्ति को निर्दोष मानेगा और वो ये मानेगा कि मैं स्वयं अकर्ता हूँ और संसार के सभी जीव अकर्ता है, कर्ता तो केवल कुदरत है, कर्ता तो केवल व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता तो केवल साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जी होती है। तो इस तरह की मानसिकता उसके श्वास की संख्या घटने से ऑटोमेटिकली हो जाती है। यानी हमारा जितना भी स्वास्थ्य कहिए या जो है हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट कहिए, उसका सीधा संबंध हमारे श्वास की संख्या से जुड़ा हुआ। बड़े बड़े साधक है, 1 मिनट में 1 ही सांस लेते हैं तो वो तो निरालंबन ध्यान की स्थिति में चले जाते हैं, पतंजलि योग के अनुसार वो समाधि की अवस्था में चले जाते हैं, तो उच्च स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, यानी वो मुक्ति के करीब हो जाते हैं। तो हमारे श्वास का संबंध हमारे व्यवहार जगत से भी है और निश्चय जगत से भी है, इसीलिए हमें इस हमारे सांसा जब तक आशा, श्वास हमारा परम मित्र है और इसको मित्र समझ करके खूब अभ्यास करना चाहिए। श्वास लंबा आ रहा है, लंबा जा रहा है, इसका अपन थोड़ा एक प्रयोग करते हैं। तो आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए और रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह एकदम सीधी, जिस मुद्रा में जिस आसन में आराम से बैठ सके बैठ जाइए और आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी, दोनों हाथ की मुद्राएं ध्यान मुद्रा में कर लीजिए और आप थोड़ा 2 मिनट के लिए अपने चित्त को पूरे शरीर में घुमाइए और ऑटो सजेशन दीजिए, शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शरीर की हर कोशिका शिथिल हो रही है, हर कोशिका शिथिल हो गई है, कोई तनाव नहीं, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई भारीपन नहीं, मेरा शरीर रुई की बात हल्का हो रहा है, हो गया है, अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है, इतना हल्का शरीर। अब अपने जो है चित्त को जो हमारे श्वास लेने के दोनों नथुनों के सेंटर में रखिए और श्वास लीजिए, अनुभव कीजिए, लंबा श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास, श्वास को थोड़ा लंबा कीजिए, लंबा, गहरा, समतल, श्वास के लेने के साथ पेट फूलना चाहिए,
श्वास के सिकुड़ने के साथ पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास। देखिए श्वास की संख्या 16 से प्रति मिनट 16 से घट के 14 हो गई, 12 हो गई, 10 हो गई, 8 के ऊपर चली आई है। तो श्वास लंबा होने से, श्वास की संख्या घटने से हमारे सब काम आराम से हो जाते हैं, सब सिद्धियां मिल जाती है और हम कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं, दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं, एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकते हैं, आर्ट ऑफ रीजन प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, अब आप जो है अपने आँखों को खोल दीजिए। प्रभु के विश्वास के साथ हमने प्रयोग किया, प्रभु ने हमको आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद आपकी हाथ की हथेलियों पर आया। 3 बार उस आशीर्वाद को अपने मस्तिष्क पर स्थानांतरित कीजिए। भाई और बहनों, ये प्रयोग इसलिए कराया गया कि हम श्वास को शिथिल करने के साथ साथ में लंबा करके और प्रति मिनट श्वास की संख्या को घटाना हमारा उद्देश्य है। और यही आज का एपिसोड है कि श्वास का सीधा संबंध मुक्ति से है, क्योंकि श्वास के नियंत्रण होने से कषाय नियंत्रण होते हैं और कषाय के नियंत्रण होने से हमारा अज्ञान घटता है। अज्ञान के इरेज होने से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता है और अधिक जूं जूं अज्ञान इरेज होकर के समाप्त हो जाता है तो हमारा कुछ भवों में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है। ये 360 डिग्री तक पहुंच करके और हमको केवल दर्शन का जो है साधक बना देता है और वही हमारे इस शरीर का अंतिम पुरुषार्थ है। हमारी प्रतिष्ठित आत्मा का अंतिम पुरुषार्थ केवल दर्शन, रियल पुरुषार्थ है, बाकी सब पुरुषार्थ उसके नीचे होते हैं। और इस अंतिम पुरुषार्थ के साथ ही हमारी प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, मन समाप्त हो जाता है और उसके साथ साथ के अंदर अज्ञान सारा समाप्त होके जीरो हो जाता है। तो नेक्स्ट बर्थ में परिणाम स्वरूप हमको केवल ज्ञान मिलता है। और वह नेक्स्ट जो बर्थ क्यों मिलती है कि हमने इस पुरुषार्थ की चरम सीमा पर पहुंचने के नीचे नीचे जितने शुभ कर्म बांधे हैं उनको भुगतना जरूरी है। तो व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। जब वो कर्म भुगत लिए जाएंगे तो फिर हमको केवल ज्ञान आराम से हो जाता है और केवल ज्ञान के केवल दर्शन होता है, फिर केवल ज्ञान होता है और फिर 14वें गुण स्थान से मुक्ति होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि श्वास का सीधा संबंध मुक्ति से है और हम इस श्वास के जो ये प्राण वायु लेते हैं उसका जो है उच्चारण है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब प्राणों का प्रबंधन करना। तो प्राणों का प्रबंधन करने के लिए हम अनुलोम विलोम करते हैं और हम श्वास परीक्षा करते हैं और जो है हमारी भस्त्रिका करते हैं, कपाल भाती करते हैं, शीतली करते हैं, आदि आदि कई प्रयोग है वो किए जाते हैं। तो ये सारे जो है श्वास की संख्या को घटाने के प्रयोग है, ये मुक्ति तक पहुंचने का रास्ता है। और श्वास की संख्याओं को घटाना एक बहुत बड़ी साधना है, इसको जो है हम सम्यक तप भी कह सकते हैं। जैसे कुदरती रचना देखना सम्यक तप है और श्वास की संख्या घटेगी तो भी हम कुदरती रचना देखेंगे, कुदरती रचना देखेंगे तो श्वास की संख्या घट जाएगी। ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, सपोर्टर है और एक दूसरे का
परिणाम दूसरे में आता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि श्वास का प्रयोग है, ये बहुत बड़ा प्रयोग होता है। आपने देखा होगा कि कई बार बड़े बड़े पहलवान जो है अपनी छाती से वो 60-60 टन का ट्रोला भरा हुआ भी निकलवा देते हैं। क्यों निकलवा पाते हैं? कि वो अपने श्वास को रोक लेते हैं। तो श्वास को रोकने से, श्वास का प्राणायाम होने से वो जो है वो संभव हो पाया, वो प्राणायाम हुआ। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि श्वास का प्रयोग, श्वास को लेना, ये सारी विद्या हमें सीखनी चाहिए। ये बहुत काम की चीज़ होती है। जैसे कि हम आर्ट ऑफ द विजन को सीखते हैं, उसी तरीके से ये श्वास के पूरे प्रकल्प को हमें सीखना चाहिए। जो लोग हठ योग करते हैं वो लोग श्वास के अलग अलग प्रयोग करते हैं और अपनी इंद्रियों को, अपने मन को और अपने शरीर को मजबूत करके साधते हैं। शरीर को साधने के लिए श्वास का प्रयोग है, वो राम बाण की तरह होता है। तो भाई और बहनों, किसी भी दृष्टि से देखिए, श्वास को लंबा करना हमेशा हितकारी होता है और इसमें कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है, क्योंकि श्वास को धीरे 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 लंबा करके, अभ्यास करके, 15 दिन महीने भर में प्रैक्टिस करके, वो हमारी संख्या को 16 से घटा के 14, 12, 10, 8 तक हम लाते हैं और हम परफेक्ट बनते हैं। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही सुंदर विषय है हमारा, श्वास परीक्षा का कहिए, या जो है श्वास की संख्या को घटाना कहिए, प्राणायाम कहिए, और इसका संबंध जो है वो हमारा पूरा का पूरा मुक्ति के मार्ग से होता है। जो साधक होते हैं, जो मुक्ति के मार्ग में विश्वास करते हैं, आर्ट ऑफ द विजन का पालन करते हैं, तो निश्चित तौर पे वो सहयोगी के रूप में श्वास पर ध्यान देते हैं, श्वास की संख्या को घटाते हैं। श्वास की संख्या को बढ़ाने का अर्थ हो गया कि जो है हम कुदरत के कानून के विरुद्ध जा रहे हैं, हम अपनी शक्ति को क्षीण कर रहे हैं। और जो है ये जब श्वास की संख्या घटती जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कोमा हो सकता है, ब्रेन हेमरेज कुछ भी हो सकता है। व्यक्ति जब क्रोध करता है तो श्वास की संख्या 25, 30, 40, 50 तक भी चली जाती है। वह स्थिति बहुत खतरनाक होती है, ऐसी स्थिति आने नहीं देना चाहिए। हमें तो पॉजिटिव थिंकिंग पर ध्यान देना चाहिए, जो नेगेटिव थिंकिंग की बातें हैं वो छोड़ते जाना चाहिए। वो ये है और पॉजिटिव थिंकिंग की बातें उपादेय है। जब हमारे जीवन में अच्छाइयों का परसेंटेज बढ़ जाता है तो हमारा जो बुराइयां हैं वो ऑटोमेटिकली घटती जाती है, और घटते घटते जब ज़ीरो हो जाती है तो हमारी अच्छाइयाँ सब बढ़ जाती है, और वो अवस्था केवल दर्शन की होती है, अंतिम पुरुषार्थ की अवस्था होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि श्वास जो है हर हालत में हमारे एक राम बाण औषधि है, और इसका जो है हमें नियंत्रण करते रहना चाहिए, इसकी संख्याओं को घटाते रहना चाहिए, और इससे जो कई तरह के जो है दूसरे बाई प्रोडक्ट के रूप के अंदर दूसरे बहुत से लाभ भी हमको मिलते हैं, क्योंकि सांस के जरिए ही हमारा सब कुछ जीवन यापन होता है। तो इसीलिए आज का विषय बहुत सुंदर है। जो लोग अपना संसारी जीवन अच्छा जीना चाहते हैं उन्हें भी प्राणायाम करना चाहिए, और जो शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं उन्हें भी प्रयोग करके
श्वास को लंबा करके श्वास की संख्या को घटाना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम अपने श्वास को लंबा करके श्वास की संख्या को घटा करके और हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बने, आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है, एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है, उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।